नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल वर्मा और आप देख रहे हैं टीवी 9 पंजाब। पंजाब पुलिस को एक बार फिर से बड़ी सफलता मिली है। दरअसल पंजाब पुलिस द्वारा इस साल की सबसे बड़ी हीरोइन बरामदगी करते हुए पंजाब पुलिस ने 4 नशा तस्करों को 77.8 किलोग्राम हीरोइन और 3 पिस्तौलों सहित गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पाकिस्तान की ओर से सरहद पार से ये एक प्रकार से इस तस्करी के 2 अलग अलग रैकेट्स का पर्दाफाश किया गया है। ये जानकारी देते हुए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DGP गौरव यादव ने रविवार को बताया कि ये दोनों खुफिया कार्रवाइयां काउंटर इंटेलिजेंस फिरोजपुर द्वारा अंजाम दी गई हैं। पहली कार्रवाई संबंधी जानकारी देते हुए DGP गौरव यादव ने बताया कि विश्वसनीय सूत्रों से हेरोइन की बड़ी खेप के बारे में मिली सूचना के आधार पर काउंटर इंटेलिजेंस फिरोजपुर की पुलिस टीमों ने नाकाबंदी की थी और फिर 2 लोगों को अरेस्ट कर लिया था, जब वो खेप प्राप्त करने के बाद अपनी बाइक पर आ रहे थे। पंजाब पुलिस नू अपनी ऑनगोइंग वॉर ऑन ड्रग्स दे विच एक वड्डी सफलता अज प्राप्त हुई, जदों की काउंटर इंटेलिजेंस फिरोजपुर यूनिट ने 2 सेपरेट NDPS एक्ट दे विच FIRs दर्ज करके नारको टेरर मॉड्यूल्स बस्ट किए हैं। 77 किलो हेरोइन अते 3 पिस्टल्स रिकवर करते हुए 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। AIG काउंटर इंटेलिजेंस लखबीर सिंह दे अंडर इन्वेस्टिगेशंस आर ऑनगोइंग। इन दोवें मॉड्यूल्स दे फॉरवर्ड ते बैकवर्ड लिंकेजेस नू पता करके टोटली एक्सपोज किया जाऊगा ते सारे व्यक्तियों नू अरेस्ट किया जाऊगा। पंजाब पुलिस एक सिस्टमैटिक ते मेटिकुलस तरीके नाल सप्लाई साइड ते डिमांड साइड ते ड्रग्स के खिलाफ एक जंग जारी रख रही है, जिहड़ी कि पंजाब दे चीफ मिनिस्टर सरदार भगवंत मान दे निर्देशों अनुसार पंजाब दे विच्चों ड्रग्स नू जड़ मूल तो खत्म कर देने का टीचा हैगा। सो इस दे विच बिग फिश जिहड़े वड्डे तस्कर हैगे उन्हां ते नकेल कसी गई हैगी। ड्रग समगलर्स की प्रॉपर्टियां जब्त कराई जा रही हैगी। जिहड़े पेडलर्स हैगे जिहड़े पिंडां दे विच मोहल्लियां दे विच ड्रग्स वेचते हैं उन्हां ते कार्रवाई की जा रही है। इस दे नाल नाल लोकां नू साथ लैके वी विल रीच आउट टू द पीपल, कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन किए जा रहे हैं। पंजाब पुलिस टोटली कमिटेड हैगी पंजाब नू ड्रग फ्री बनाने लई। DGP गौरव यादव ने कहा कि ये मॉड्यूल पंजाब में बड़े स्तर पर सरहद पार से और अंतर्राज्यीय नशा तस्करी में शामिल थे। वहीं स्पेशल DGP अंदरूनी सुरक्षा RN ढोके ने बताया कि पुलिस टीमें इस खेप को भेजने वाले पाकिस्तान आधारित तस्करों सहित तस्करी में शामिल तमाम अन्य लोगों की भूमिका का सुराग खोजने के लिए दोनों मामलों की जांच कर रही है। उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां होने की प्रबल संभावनाएं हैं। धन्यवाद।